जी थैंक यू सो मच। ओके ठीक है बेटे, प्रीवियसली अब हम लोगों ने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक सीपीआई का कंटिन्यू किया था, उसी का सेकंड पार्ट आज हमारा रहता है। ठीक है, टॉपिक वाज मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। इससे पहले हम लोगों ने नेशन की इनकम को कैसे मेजर करते हैं उसके टूल्स देखे, अब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेजर कर रहे हैं। अगर आसान लफ्जों में बोलूँ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, तो ये लोगों के, हम जैसे आम लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, हम लोग कितने अखराजात में अपना घर चलाते हैं, क्या बजट रखते हैं और कितना हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो रहे हैं, ये सारी चीजें इस कॉस्ट ऑफ लिविंग में बताई जाती हैं। और उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है उसकी, क्योंकि जितने लिविंग स्टैंडर्ड्स एक कंट्री के इम्प्रूव होंगे, उतनी ही उस कंट्री की इनकम और उस कंट्री की जो इंटरनेशनल इमेज है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सीपीआई, प्रीवियसली हम लोगों ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, इसका सेकंड पार्ट आज हम लोगों ने देखने, करेक्टिंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। बिफोर मूविंग टू द सेकंड टॉपिक, पहले मैं आप लोगों को सीपीआई के बारे में एक छोटा सा रिव्यू दे दूं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली था क्या। बेटे जैसे जीडीपी था ना, कि हमारी टोटल ओवरऑल वैल्यू थी तमाम प्रोड्यूस चीजों की, इसी तरीके से सीपीआई जो है तमाम प्रोड्यूस चीजों को हम लोग जो खर्च करते हैं, खरीदते हैं, ऑल द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बॉट बाय अ टिपिकल कंज्यूमर। एक टिपिकल कंज्यूमर तमाम अशिया जो वो खरीदता है उस सब की कैलकुलेशन, उस सब का एक इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। अब इसमें बात की जाती है सेकेंड टॉपिक की, करेक्टिंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब इसमें क्या बात आती है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है जी, अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या हैं, इसका इस टॉपिक से ताल्लुक क्या है और इसको इन्फ्लेशन के जरिए कैसे देखा जा रहा है, इन्फ्लेशन का इसमें क्या रोल है, आज हम लोगों ने इस चीज के बारे में स्टडी करना है। तो बिफोर मूविंग टू दिस बेटे, के करेक्टिंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल्स बेटे बहुत तरह के होते हैं, मतलब आप लोगों की इनकम से लेके आपके लिविंग स्टैंडर्ड, आपके लिविंग स्टैंडर्ड से लेके आप लोगों की ये जो हाउस में चीजें इस्तेमाल होती हैं उनको, आप लोगों की रोजमर्रा की फूड, ये सारी इकोनॉमिक वेरिएबल्स में आ सकता है। लेकिन सीपीआई के अंदर वाहिद दो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जिनको करेक्ट किया जाता है इन्फ्लेशन के लिए, एक इनकम और दूसरे इंटरेस्ट रेट। अब क्योंकि सीपीआई सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट और इनकम के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे आज के टॉपिक में वो इनकम और इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन एक्चुअल में है क्या। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने ये तो देखा कि महंगाई को, आसान लफ्जों में अगर बात की जाए तो महंगाई को इन्फ्लेशन कह देते हैं, कि जनरल लेवल पे जब आपकी प्राइस बढ़ती है तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन एक्चुअल में उसको, उसकी और कोई डेफिनेशन भी होती है या इन्फ्लेशन किसी और तरीके से भी देखा जाता है, आज हम इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे। फिर ये देखा जाएगा कि इकोनॉमिस्ट सीपीआई को कैसे इस्तेमाल करते हैं इनकम और इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जो इस इन्फ्लेशन का असर आता है, यानी कि महंगाई आ गई है, महंगाई की वजह से इनकम के ऊपर क्या असर आया और इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या असर आया, और इन असरात की वजह से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अब कहाँ को जा रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो रहा है कि वो अब इम्प्रूव नहीं हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसके बारे में सीपीआई को इस्तेमाल करते हैं और वो कैसे करते हैं हम अगली स्लाइड में उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले इन्फ्लेशन हम लोगों ने देखना है। इन्फ्लेशन अब यहाँ पे देखिए कि एन एवरेज इंक्रीज इन द प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ये वाली डेफिनेशन आप लोग अपने बचपन से पढ़ रहे हैं, यानी कि एडीपी के जब बचपन था ना आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर, आप तब से पढ़ रहे हैं डेफिनेशन। इस डेफिनेशन का मतलब ये था कि जैसे 1970 में, अब ये कॉफी का कप है, 1970 से लेकर 2019 तक सेल हुआ है, सेम क्वांटिटी, सेम कप की क्वालिटी और सेम उसमें जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की दोनों सेम रही है। लेकिन 1970 में उसकी कीमत 4 रुपए थी, 1980 में वो 3 रुपए मजीद महंगा हो गया, 7 रुपए हो गया, इसी तरीके से 10 साल के बाद 1990 में वो 10 रुपए का हो गया, उससे मजीद 10 साल के बाद वो 20, फिर से 10 साल का गैप जो है 35, और अब 2019 से लेके 2020 के दरमियान आपको एक चॉकलेट शेक जो है वो अब आपको 50 रुपीज का मिल रहा है। ठीक है, कॉफी कप है, चॉकलेट शेक है, वो आपको 50 रुपीज का मिल रहा है। यानी कि 1970 से लेके 2019 तक ना क्वालिटी बदली ना क्वांटिटी बदली, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में इंक्रीज आता गया, यानी कि उस इंक्रीज को हम लोगों ने इन्फ्लेशन का नाम दे दिया। ये जो इंक्रीज आता है विदाउट चेंजिंग द क्वालिटी और क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में बेटे आप लोग का पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस में इंक्रीज आए, नो मैटर व्हाट इज द क्वालिटी, नो मैटर व्हाट इज द क्वांटिटी, सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, तो ये आपका इन्फ्लेशन है। इसके अलावा इन्फ्लेशन को एक और तरीके से भी देखा जाता है, कहा जाता है कि जो इन्फ्लेशन है वो आपके रुपए की कीमत को कम कर देता है।
इन्फ्लेशन डिक्रीजेज या रिड्यूसेज द वैल्यू ऑफ योर मनी. अब हमारा रुपया है, ये 100 रुपए की बात करते हैं, ठीक है. लेट से कि यहाँ पे भी डॉलर है, हम इसका 100 रुपीज का नोट कंसिडर कर लेते हैं. 2015 तक क्या था कि इस 100 रुपए के अंदर ये तीन चीजें खरीद ली जाती थी, ठीक है. इस 100 रुपए के सिर्फ एक नोट के जरिए, एक नोट देके 100 रुपए का हम ये तीन चीजें खरीद लेते थे. लेकिन अब 2020 में क्या हुआ, 5 साल के बाद 100 के 4 नोट हमें देने पड़े, 1 2 3 4. 100 के 4 नोट दोगे तो फिर सेम क्वांटिटी मिलेगी, यानी कि 100 के 4 नोट देने पर अब आपको तीन चीजें मिल रही हैं. इट मीन्स कि आपके जो 100 रुपए में वो जो ये तीन चीजें खरीद सकते थे, अब वो आप नहीं खरीद रहे. 100 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं रही है. अब 100 रुपए के 4 नोट होंगे तो ही बात बनेगी, तो ही आप किसी चीज को खरीदने की अहलियत रख सकते हो. अदरवाइज 100 रुपए में कुछ भी नहीं आएगा. ये जो हम आम अपनी रूटीन में बोलते हैं ना कि अब 100 रुपए की तो कोई कीमत ही नहीं रही है, वो बेसिकली क्यों उसकी कीमत कम होती है, इन्फ्लेशन की वजह से. इन्फ्लेशन ऐसे इंपैक्ट करता है हमारी मनी वैल्यू के ऊपर कि हमारी मनी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. कहां 100 रुपए, 1000 रुपए के अंदर आम बात करें तो 1000 रुपए के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती थी आज से कई सालों पहले. लेकिन अब 1000 रुपया, 1000 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं रही है. 1000 रुपया हैज रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि 1000 रुपीज के नोट की भी वैल्यू अब रिड्यूस हो चुकी है ड्यू टू इन्फ्लेशन. तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि हमारे 100 रुपए की कोई कीमत ही नहीं रही है, 100 रुपए की कोई अहमियत ही नहीं रही है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. की इन्फ्लेशन आपकी मनी वैल्यू रिड्यूस कर देता है आपके पैसे की, ठीक है जी. अब ये तो बात होगी इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन को एज एन एवरेज इंक्रीज इन प्राइस लेवल देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि जो इन्फ्लेशन है आपकी नॉमिनल वैल्यूज को चेंज कर देता है. अब एक और चीज यहाँ पे नोट करें, इन्फ्लेशन इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम इन नॉमिनल वैल्यूज बट रियल वैल्यू ऑफ इनकम रिमेन द सेम. अब ये लाइन लिखने का क्या मकसद था, एक तो बता दिया कि ये आपकी पैसे की जो कदर है वो कम कर देता है, वैल्यू ऑफ मनी कम कर देता है. अब जब इन्फ्लेशन आता है ना, तो इन्फ्लेशन के साथ एक गुड न्यूज भी चलती है हमारे टीवियों के ऊपर. क्या चलती है वो ये कि जैसे ही किसी कंट्री में महंगाई आई है, साथ ही हुकूमत लोगों को खुश करने के लिए कहती है भाई आप लोगों की इनकम हमने बढ़ा दी है, ठीक है. इन्फ्लेशन की आने की वजह से नो डाउट कि इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि हुकूमत कंसर्न होती है, उसको पता है कि अब 100 रुपए में इन्होंने चीज नहीं खरीदना, तो इनको इनकम देंगे तो ही ये चीज मजीद खरीद सकते हैं, अदरवाइज ये खरीदारी कैसे करेंगे. तो वो क्या करती है, इनकम बढ़ा देती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वैल्यूज में. नॉमिनल से मुराद, दोबारा से रिपीट करूंगी, कि नॉमिनल का मतलब है करंट वैल्यू, जो कि उसकी करंटली उसको देखा जा रहा है कि हाँ भी उसको रियल टर्म्स में नहीं देखा जा रहा है कि एक्चुअल उसका इम्पैक्ट क्या है. लेकिन रियल वैल्यूज में वो जो आपकी इनकम बढ़ती है उसकी वैल्यू सेम ही होती है. अब जैसे 100 रुपये आपकी जब इनकम थी तो तीन चीजें खरीद रहे थे, अब आपकी इनकम 400 रुपया हो गई है, फिर भी आप तीन ही चीजें खरीद रहे हो, तब भी आप ज्यादा अमीर नहीं हुए हो. क्यों अमीर नहीं हुए हो, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी इनकम जो है रियल वैल्यू, मतलब ये नॉमिनल, नॉमिनल मतलब करंटली दिख रहा है कि भाई 100 रुपए से 400 रुपए हो गई है, लेकिन असल में जब इन 400 रुपए को आप मार्केट में लेके जाओगे तो मार्केट में जाके पता लगेगा कि जो आप 100 रुपए में तीन चीजें खरीद रहे थे, 400 रुपए में भी आज भी आप तीन चीजें खरीद रहे हो. यानी कि इनकम बढ़ने से आप कहीं अमीर नहीं हुए हो, आप जो नॉमिनल टर्म्स में अमीर कहला रहे हो लेकिन आप अमीर नहीं हुए हो. आपकी जो रियल वैल्यू है वो सेम ही सेम है. 100 रुपए के इस एक इनकम के नोट से भी आप तीन चीजें खरीदे थे, आज आपकी ज्यादा इनकम हुई है, उससे भी आप सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें खरीदने के ही काबिल बने हो, ज्यादा चीजें खरीदने के काबिल नहीं बने हो. लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि समटाइम्स लोग ये कहते हैं कि भाई मेरी इनकम तो इतनी बढ़ गई है, मेरे से इन्फ्लेशन भी कवर हो रहा है और मेरी सेविंग्स भी हो रही है. वो सूरत कब आती है, वो सूरत तब आती है जब इकोनॉमिस्ट CPI को इस्तेमाल करते हैं इनकम के इफेक्ट को क्लियर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, ठीक है. इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, CPI टू करेक्ट द इनकम फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन. इकोनॉमिस्ट CPI को यूज करते हैं, ठीक है. जब हम CPI को कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं आपकी कंपैरिजन करने के लिए आपकी इनकम का. क्योंकि अगर वो कंपैरिजन नहीं करेंगे तो उनको ये नहीं पता लगेगा कि लोगों की इनकम बढ़ी हुई है, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव है कि नहीं इंप्रूव है. सेकेंड पे देखिए एक लिखा हुआ है कि इनकम इज करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन सो दैट इट कैन बी कम्पेयर फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स. इसका कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट 2019 में आपकी सैलरी क्या रही है और आगे आने वाले 2023 तक आपकी जो भी सैलरी होगी, इन दोनों के दरमियान, इन 2019 से लेके 2023 तक क्या आपकी इनकम बढ़ने की वजह से आपके लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये चीज आपकी CPI बताता है. लेकिन बताता कैसे है बेटे, वो एक फॉर्मूला की मदद लेता है, ये जो फॉर्मूला गिवन है आपका,
ठीक है, इस फॉर्मूला की मदद से वो बताता है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इसमें क्या है, इनकम आपकी प्रेजेंट ईयर की इस्तेमाल की जाती है, उसको इक्वल रखा जाता है आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम के, और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है सीपीआई के साथ। सीपीआई डिवाइड किए जाते हैं प्रेजेंट ईयर का सीपीआई डिवाइडेड बाय द प्रीवियस ईयर का सीपीआई। अच्छा, अब इसके आगे एक और चीज मैं बताऊंगी कि व्हेन अ डॉलर अमाउंट या इनकम या पेमेंट, मतलब जो आपको सैलरी दी जा रही है उसको ऑटोमेटिकली अगर एडजस्ट किया जाए इन्फ्लेशन के बाद, जैसे कि हमारे कंट्रीज में होता है, पाकिस्तान में होता है कि एकदम से महंगाई आई है, एकदम से थोड़ी सी इनकम भी लोगों की बढ़ा दी जाती है ओनली ऑन गवर्नमेंटल सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट सेक्टर में जरूर होता है कि थोड़ा बहुत अलाउंसेस दे दिए जाते हैं। ये जो ऑटोमेटिकली चेंज आता है ना, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं इंडेक्स्ड। ठीक है, कहते हैं कि आपकी इनकम इंडेक्स्ड हो गई है, अभी हमने इन्फ्लेशन के लिए इंडेक्स्ड कर दिया। इंडेक्स का मतलब होता है एक ऑटोमेटिक आपकी इनकम को बढ़ा देना, इनकम को चेंज कर देना, और अदर वर्ड में उसको कहते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट विद दिस प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है आपको एक सहूलत दे दी गई है, ठीक है, कोई चीज मुहैया की जा रही है। सेट टू कंटेन अ कॉला, कॉला का मतलब है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। आपको लिविंग यानी कि आपके जो रहने के अखराजात, यानी कि आपके जिंदगी के जो अखराजात है, आपके रोजमर्रा के अखराजात है, उनका एक अलाउंस प्रोवाइड कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। उस अलाउंस को हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म में इंडेक्स बोलते हैं, कि सम अलाउंस यानी कि कॉला इंडेक्स कर दिया गया है, आपको एक ऑटोमेटिकली इंक्रीज दे दिया गया आपकी इनकम के अंदर ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से अगर आपकी इनकम बढ़े तो बेटा उसे कहते हैं इंडेक्स्ड। ठीक है, आपकी इनकम इंडेक्स्ड हुई है। इंडेक्स से मुराद है कि आप लोग अकलमंद हो जाते हैं ये जानने के लिए कि जब आपकी बैंक स्टेटमेंट में आपकी इनकम इंक्रीज्ड के आगे इंडेक्स्ड लिखा होता है, इसका मतलब है कि आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, आप रियल टर्म्स में अमीर नहीं हुए, आप सिर्फ नॉमिनल टर्म्स में अमीर हुए हैं। कि आपको लग रहा है कि भाई आपके नोट ज्यादा हो गए तो आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हो, नहीं, आपके नोट तो ज्यादा हुए हैं लेकिन महंगाई भी उतनी ही है। ठीक है, इनकम ज्यादा हुई है लेकिन एक्सपेंडिचर्स आपके उतने के उतने ही है, एक्सपेंडिचर्स में भी इजाफा हो चुका है। अब आगे बात करते हैं कि इसको अप्लाइड फॉर्म में हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स को कैलकुलेट करते हैं, बाय रिव्यूइंग अ क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे हसीब का जिक्र हुआ है, ठीक है, हसीब क्या कर रहा है, उसने 2012 में ये इनकम अर्न की 17,000 रुपया अर्न कर रहा था 2012 में। ठीक है, अच्छा, अब 2019 में वो 55,000 अर्न कर रहा है, यानी कि 2019 नया साल हो गया, 2012 पुराना साल हो गया, यानी कि 2012 में उसकी इनकम थी 17,000 और 2019 में उसकी इनकम होगी 55,000। अब हसीब के जो दोस्त हैं वो तो बड़े खुश हुए कि भाई तुम्हारी इनकम कहाँ 17,000 थी 2012 में, अब कहाँ 2019 में तुम 55,000 ले रहे हो। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या इन 7 सालों में तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ है कि नहीं। इंक्रीज का मतलब है इम्प्रूव्ड होना, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड तुम्हारा कैसा रहा, इम्प्रूव हुआ है कि नहीं। वो कहता है ओके, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि क्या मेरा लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ है या फिर मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहां से मैंने स्टार्ट किया था। वो क्या करता है, ये स्टेटिस्टिक्स देखता है, ठीक है, उसको सीपीआई 2012 का चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दोस्तों ने मांगा है कि 2012 से और 2019 की इनकम का कंपैरिजन करके बताओ। अब 2012 से 19 के दरमियान जो इनकम्स आई हैं वो उसने ना तो उसको याद रही है ना ही उसको वो कैलकुलेशंस अपने पास रखना चाहता है। इकोनॉमिक्स में आपको ये सहूलत है कि आपसे जो चीज पूछी जाए उसके साल निकालें और सालों की चीजें उठा के आप अपनी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। अब 2012 का कंपैरिजन मांगा है तो आप सीपीआई भी 2012 का ही पकड़ोगे, 2019 के कंपैरिजन के साथ मांगा है तो आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो उस वक्त होगा, स्टैट गूगल के ऊपर आ रही होगी या आपके जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको स्टैट्स दे रहे होंगे वो ये आपको देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये बात होगी, अब बात आती है आगे इसकी कि वो इस चीजों को कैलकुलेट कैसे करेगा, यानी कि उसको कंपैरिजन करने के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड के कंपैरिजन करने के लिए उसको 4 चीजों की जरूरत है, एक आज की इनकम की, ठीक है, जो उसकी करंट इनकम है, और एक तब के साल की इनकम की जिसके साथ वो कंपेयर करना चाहता है, और सीपीआई उसी साल का और आज के साल का। ठीक है जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब उसके लिए उसको एक फॉर्मूला की जरूरत है, ठीक है, वो ये देखा गया कि प्रेजेंट ईयर जो हमारा सीपीआई को यानी कि इन्फ्लेशन रेट को करेक्ट करना है इनकम के इफेक्ट के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला ये इस्तेमाल हो रहा है, इनकम इन प्रेजेंट ईयर इक्वल्स टू द इनकम इन प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय सीपीआई इन प्रेजेंट ईयर डिवाइडेड बाय द सीपीआई इन प्रीवियस ईयर। तो सिंपल है बेटे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दो। प्रेजेंट ईयर में क्या इनकम थी उसकी, 55,000। प्रेजेंट ईयर से मुराद है ये जो करंट ईयर है। अब यहाँ पे अब आप लोग ना कंफ्यूज हो जाइएगा कि 2012 नया है कि 2019 नया है, पता है कि 2019 ही नया है और 2012 पुराना साल है,
जो नया साल है वो 55,000, उसकी 55,000 उसकी सैलरी थी, प्रीवियस ईयर में कितनी थी 17,000, वो उसकी जगह पे लिख दिया। सीपीआई प्रेजेंट ईयर में कितना था 150.6, ठीक है वो उसकी जगह पे लिख दिया। सीपीआई प्रीवियस ईयर कितना था 72.7, वो उसकी जगह पे हमने लिख दिया। अब आगे क्या आया इन सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद के 35,216। अब यहाँ पे ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए थी, ठीक है इक्वल नहीं आई, इट मीन्स, और लेकिन यहाँ पे क्या आया ये 55,000 इज नॉट इक्वल टू 35,216। ये वाली बेटे जो आपकी साइड है ना, ये वाली साइड अगर मैं इसको मार्क भी करना चाहूँ तो आप लोगों को बताऊंगी, ये वाली जो साइड है ये आपकी प्रेजेंट इनकम होती है, और ये वाला जो साइड होता है ना ये आपकी इन्फ्लेशन रिक्वायरमेंट होती है। कि आज की महंगाई में अगर देखा जाए आपके अखराजात सिर्फ और सिर्फ 35,000 में पूरे हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इट्स ग्रेटर देन द राइट हैंड साइड। इसका क्या मतलब इस इकोनॉमिक्स टर्म्स में हुआ? इकोनॉमिक्स टर्म्स में इसका मतलब ये हुआ बेटे कि आप लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपकी 55,000 इज ग्रेटर देन द 35,216। इसका मतलब ये है कि इनकम टुडे इज हायर देन द इन्फ्लेशन रिक्वायरमेंट। याद रहे कि ये इनकम टुडे है और ये इन्फ्लेशन रिक्वायरमेंट है। जो राइट हैंड साइड है ना, ये सारी की सारी पूरा फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये आपका कैलकुलेट करता है इन्फ्लेशन रिक्वायरमेंट, कि आज के 2019 में आपकी इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए कितनी इनकम की जरूरत है। असल में उसको अपने अखराजात को पूरे करने के लिए 35,000 रुपया काफी है, लेकिन उसकी इनकम क्या है आज के तारीख में 55,000। इसका मतलब ये है कि उसकी इनकम ग्रेटर है इन्फ्लेशन रिक्वायरमेंट से, जिसका क्लियरली मतलब ये कि उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्चुअल में इम्प्रूव हुए हैं। इसके अलावा लेट से कि इनकम अगर आज की आपकी कम आ जाए, मतलब कि 55,000 ना होता यहाँ पे, सिर्फ उसे 20,000 होता, अगर आज की इनकम आपकी कम है आपकी इस इन्फ्लेशन रिक्वायरमेंट से, तो इसका मतलब है आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स लो जा रहे हैं, यू हैव द लो लिविंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा अभी स्लाइड में मैं पॉज करूंगी, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ आई है तो आप अपना हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल पॉज फॉर द 1 मिनट ओवर दिस स्लाइड। ओके आई थिंक सबको क्लियर है, ठीक हो गया, ठीक है बेटे आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया इनकम के लिए, मैंने बात की थी कि इन्फ्लेशन रेट का इफेक्ट देखा जाता है और सीपीआई को इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ इनकम के लिए और इंटरेस्ट रेट के लिए। इनकम के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है हमने इस अपनी पूरी प्रॉब्लम में देख लिया। अब हमने ये देखना है कि इन्फ्लेशन रेट को इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैसे करेक्ट किया जाता है, सीपीआई इसमें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इकोनॉमिस्ट यूज द सीपीआई टू करेक्ट इंटरेस्ट रेट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। We know that CPI को इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लेशन के लिए, वो इंटरेस्ट रेट के लिए और इनकम के लिए। अब इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ठीक है ये करेक्शन क्यों जरूरी है? अ करेक्शन इज नेसेसरी बिकॉज इफ प्राइसेस हैव राइजन ड्यूरिंग द टर्म ऑफ अ लोन, यानी कि आपने जब लोन लिया हुआ है उस दौरान अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गई, यानी कि इन्फ्लेशन आ चुका है, तो द डॉलर यूज फॉर द रीपेमेंट विल नॉट बाय एज मच एज द डॉलर ओरिजिनली बोरोड। ये मैं क्या बोल गई, किसी को कक समझ नहीं आई, यानी मुझे पता है, मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है आगे आने वाली अप्लाइड प्रॉब्लम्स के साथ, ठीक है। उससे पहले लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात जान ले कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है बेटे। ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि आपने डिपॉजिट कराई या लोन ली, ठीक है दोनों दोनों सूरतों की बात कर रही हूँ, डिपॉजिट करवाई या आपने लोन ली है, उसमें ऐड कर दो एक एडिशनल अमाउंट जो कि जिससे आपने ये अमाउंट बोरो की है या जिसको अमाउंट ये आपने दी है, ठीक है लेंड की है या बोरो की है, तो उसके ऊपर एक एडिशनल अमाउंट अगर आप ऐड कर देते हो तो उस एडिशनल अमाउंट को बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर एडिशनल अमाउंट आपकी इंटरेस्ट रेट कहलाती है। और ये इंटरेस्ट रेट और इन दोनों को जमा करके आपकी ये स्पेसिफिक अमाउंट हैवी अमाउंट बनती है जो कि आप रिटर्न करते हो या फिर आप डिपॉजिट से रिटर्न लेते हो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इंटरेस्ट रेट को हमेशा टाइम के साथ एसोसिएट किया जाता है, इंटरेस्ट रेट दिनों के ऊपर आपको नहीं मिलता, इंटरेस्ट रेट या तो महीनों के ऊपर आपको डिपॉजिट्स पे मिलता है या फिर साल के डिपॉजिट्स पे मिलता है, ठीक है जी। अब चलते हैं कि सीपीआई कैसे इंटरेस्ट रेट को ठीक करता है इन्फ्लेशन रेट के साथ, जिनकी इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट्स खराब हो जाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट को कैसे देखा जाता है सीपीआई की मदद से। अच्छा अब उससे पहले कि हम लोग ये चीज देखें कि इंटरेस्ट रेट को कैसे देखा जाता है बेटे, इंटरेस्ट रेट दो तरह के होते हैं, ये बात आप लोगों ने अपनी याद रखनी है, अपने पल्ले से बांध लेनी है कि इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आगे जाके आपको रियल लाइफ में ये चीजें काम आनी है। इंटरेस्ट रेट दो तरह के देखे जाते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट
और रियल इंटरेस्ट रेट। याद रहे जब आप बैंक जाते हैं ना, तो बैंक वाले आपको सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बारे में बताते हैं, रियल के बारे में आपको कभी नहीं बताया जाता। रियल रेट के बारे में तब बताएंगे जब आप उनसे पूछोगे, वो एक्चुअल में कभी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सीक्रेट अमाउंट होती है। इसी के जरिए तो अपने बैंक भरते हैं, अपने बैंक में पैसा कमाते हैं। अगर ये बताना शुरू कर दें तो लोग रैशनल है, लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी मैं आप लोगों को आगे एग्जाम्पल दूंगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। नॉमिनल, अगेन रिपीट करूंगी, नॉमिनल से मुराद है करंट, प्रिवेलिंग, उस टाइम पे मौजूदा। ठीक है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट शोज द इंक्रीज इन डॉलर वैल्यू ओवर टाइम। ठीक है, इसको ना भी देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज द इंटरेस्ट रेट अनकरेक्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। सीपीआई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को नहीं छेड़ता, नॉमिनल करंट है, सीपीआई को छेड़ने की जरूरत ही नहीं। सीपीआई छेड़ता है सिर्फ और सिर्फ रियल इंटरेस्ट रेट को। कैसे? रियल इंटरेस्ट रेट इज द इंटरेस्ट रेट करेक्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए सीपीआई जो है रियल इंटरेस्ट रेट का मशवरा देता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को छेड़ने का मशवरा नहीं देता। अब ये रियल इंटरेस्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला बेटे ये है। रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट में से आपका जो भी प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन रेट है उसको निकाल दो, तो एक्चुअल रियल इंटरेस्ट रेट आपकी अमाउंट के ऊपर आपको मिल जाता है। इसकी एग्जाम्पल आगे लेते हैं। सॉरी, ओके, फॉर एग्जाम्पल शहीर हैज डिपॉजिट 20,000 फॉर वन ईयर इन दुबई इस्लामिक बैंक। अब शहीर ने सोचा है कि मैं 20,000 रुपया दुबई इस्लामिक बैंक में एक साल के लिए डिपॉजिट करूंगा। जब वो वहां जाता है तो वो लोग उसको कहते हैं कि जी सर आइए, आपको इस 20,000 के डिपॉजिट के ऊपर एक साल के बाद हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा 4% इंटरेस्ट रेट आपको देंगे। यानी कि अमाउंट वो डिपॉजिट करवाने जा रहा है बैंक में, जब बैंक से वो वापस लेगा तो बैंक उसको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इसके ऊपर 4% एक्स्ट्रा अमाउंट दूंगा। यानी कि इट मींस के 20,000 से वो जो चीजें खरीदता था, अब उसकी परचेजिंग पावर जब वो एक साल के बाद आएगा इंक्रीज हो जाएगी। उसको तो ये चीज बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर उसको याद आया कि मैंने इकोनॉमिक्स का लेक्चर भी लिया था, मैम ने तब बताया था कि ये जो बैंक वाले आपको इंटरेस्ट रेट बताते हैं वो बेसिकली नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है, मुझे अपना एक्चुअल इंटरेस्ट रेट चाहिए, रियल इंटरेस्ट रेट, कि मुझे एक्चुअल में 20,000 के ऊपर कितना परसेंट इंक्रीज एक साल के बाद मिलेगा। यानी कि मैं अब अपनी अमाउंट डिपॉजिट कराने जा रहा हूँ, एक साल के लिए मेरी अमाउंट लॉक हो गई है, अब उसके बाद जब मैं एक साल के बाद निकालूंगा तो मुझे उसके ऊपर कितना प्रॉफिट या कितना इंटरेस्ट रेट, बेसिकली बैंक की जुबान में इसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, कितना मिलेगा। अब वो जब ये देखता है तो वो ये कहता है कि मुझे एक फॉर्मूला पता है रियल इंटरेस्ट रेट निकालने का। रियल इंटरेस्ट रेट को इक्वल रखता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि उसने इकोनॉमिक्स से लेक्चर लिए हो तो उसे पता है कि इन्फ्लेशन रेट को मैंने जाके या तो ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स में से देख लेना है या मैंने गूगल के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट सर्च कर लेना है। वो जब सर्च करता है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो कि बैंक बता रहा है उसे वो है 4%, इन्फ्लेशन रेट जो कि उसने खुद कैलकुलेट किया वो है 2%। अब वो 2% 4% में से 2% निकालते हैं तो उसके ऊपर रियल इंटरेस्ट रेट उसको मिल जाता है कि 2%। तो इसका मतलब ये है कि परचेजिंग पावर ऑफ 20,000 डिपॉजिट हैज ग्रोन 2% आफ्टर अ ईयर इंस्टेड ऑफ 4%। यानी कि एक साल के बाद जब वो बैंक में वापस आएगा तो बैंक वाले उसे कहेंगे सॉरी सर इन्फ्लेशन आया जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट आपको 4% नहीं मिल सकता, हम आपको सिर्फ इसके ऊपर 2% देंगे। तो इसका मतलब उन्होंने 2% कैसे किया है, उन्होंने सीपीआई के जरिए उस इन्फ्लेशन रेट और आपके नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट किया, करेक्ट किया, और करेक्ट करके आपको कहा है कि भाई ये हमारी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स नहीं, हमने करेक्ट किया तो आपका 4% नहीं, आपका 2% रियल इंटरेस्ट रेट बनता है। तो बेसिकली बैंक जब आपको अमाउंट रिटर्न करेगा तो वो रियल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग करेगा, ना कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग। आप उसे ये भी कह सकते हैं कि भाई आजकल तो 5% पे चल रहा है तो आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं, वो आपसे कहेगा नहीं हम एक साल के बाद इसको इन्फ्लेशन रेट के साथ करेक्ट करते हैं इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को देखने के लिए, तो इसलिए आपका सिर्फ 2% बनता है इंस्टेड ऑफ 4%। तो इस तरीके से सीपीआई हेल्प करता है आपके रियल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक था हमारा टॉपिक। ये टॉपिक जो हम लोगों ने कवर किया है वो पेज नंबर 225 से लेके 230 तक है। इस टॉपिक में कोई किसी को कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते